हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पार्सल प्रोटोकॉल के बारे में। पार्सल प्रोटोकॉल एक नया प्रोजेक्ट है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, और यहाँ पे भी जैसा कि हमको पता है कि जीटो के एयरड्रॉप के बाद से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में जिन्होंने पॉइंट के बेसिस के ऊपर एयरड्रॉप करने का फैसला किया है, तो पार्सल भी उन्हीं में से एक है जहाँ पे आपको पॉइंट्स अर्न करने होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सोलाना के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। उनमें से जो नंबर वन पे है जीटो प्रोटोकॉल के बाद, वो था मार्जिन फाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस दिन मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, ये वाला वो वीडियो था, उस दिन से लेके अब तक मैंने यहाँ पे करीब 24,000 पॉइंट्स गेन किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है सोलाना के ऊपर मैरिनेट, ये भी नया आया है, इसे मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पे आपको अपनी सोलाना को जाके स्टेक करना होता है और उसके बदले में आपको MNDE टोकन मिलता है एज अ रिवॉर्ड, और यहाँ पे आप इसे क्लेम कर पाएंगे 13 दिनों के बाद, यानी कि आज से 13 दिनों के बाद आप मैग्नेट को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है कम्यूनो भी बहुत जल्द यहाँ पे पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे इनमें जाके लिक्विडिटी ऐड करते हैं या फिर आप यहाँ पे बोरो लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको पोजिशन मिलती है इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जब यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो पोजिशन है उसके बेसिस पे आपका जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा BSE के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट है दोस्तों जहाँ पे बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका नाम है किंजा, और यहाँ भी पॉइंट बेस्ड ही है। यहाँ पे भी आपको इनके मार्केट में जाना है और लेंड करना है, फिर बोरो करना है, उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट अर्न करते हैं और अगेन यहाँ पे पॉइंट के बेसिस पे एयर ड्रॉप होगा। तो ये वो कुछ प्रोजेक्ट्स है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे भी एयर ड्रॉप पॉइंट के बेसिस पे होने वाला है। अब वापस से आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो कि है पार्सल। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सोलाना वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। सोलाना में मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ फैंटम, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है पॉइंट्स के ऊपर। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट्स आप अर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप इनके बैंक में यानी कि इनके लिक्विडिटी पूल के अंदर USDC डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा पर डॉलर के ऊपर पर डे। यानी कि अगर आप यहाँ पे $1 डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे पर डे। और एक बात और ध्यान रखनी है, लिक्विडिटी यहाँ पे 30 डेज के लिए लॉक हो जाएगी, तो कितनी डिपॉजिट करनी है ये आपके ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे $1 की ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है पर डे। और तीसरा ऑप्शन है रेफरेंस, यानी कि आप अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट को या फिर अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो उनके पॉइंट्स का 10% आप यहाँ पे अर्न करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनके पॉइंट्स को अर्न करते हैं। अब इसके बाद, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि आप इनके पॉइंट्स प्रोग्राम को ज्वाइन करें या फिर अपने पॉइंट्स को एक्टिवेट करें, पहले हम जाएंगे रेफरल्स के ऊपर, एक्सेप्ट एंड वेरीफाई। वॉलेट को वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोड एंटर करना है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पॉइंट पे 5% का बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि है कॉइन ज्ञान, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे और इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट्स का अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना रेफरल कोड भी जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्रिएट रेफरल कोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी कोड है आप यहाँ पे डालेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। याद रहे, जो भी कोड डालेंगे वो परमानेंट होगा, आप उसे बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आके कोड को एंटर करना है और अपने रेफरल अकाउंट को, पॉइंट अकाउंट को एक्टिवेट करना है। एक बार आपका पॉइंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे अब प्रोवाइड लिक्विडिटी के ऊपर, और यहाँ पे आपको USDC डिपॉजिट करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, 1 USDC डिपॉजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलेगा पर डे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना USDC डिपॉजिट करना है। तो ये मेरा सेकंड अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 50 USDC डिपॉजिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 30 डेज के लिए आपका जो फंड है वो लॉकअप पीरियड में चला जाएगा। कन्फर्म डिपॉजिट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 USDC डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे मुझे 150 पॉइंट पर डे अर्न होगा। इसके अलावा अगर आपके पास HOA NFT है तो यहाँ पे आपको 5% का बूस्ट अगेन मिलेगा, लेकिन इस समय अगर आप HOA NFT को बाय करते हैं मैजिक ईडन से तो यहाँ पे इसकी प्राइस 15 से 16 सोलाना पर NFT चल रही है। तो अगर आपके पास फंड है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आपको अपना फंड शो करेगा कि आपने कितना यहाँ पे डिपॉजिट किया है। और यहीं पे आप अपने रिलीज डेट को भी देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे 17 जनवरी 2024 को इसे विड्रॉ कर सकता हूँ। इसके बाद अब बारी है तीसरे ऑप्शन की जो कि ट्रेड का ऑप्शन है। आपको कॉन्टेस्ट पे जाना है,
आप क्लिक करेंगे ज्वाइन कॉन्टेस्ट को, आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यूएसडी से डिपॉजिट करने पे जो पॉइंट अर्न हो आप उसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फंड है तो यहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड में आप ज़्यादा पॉइंट्स अर्न नहीं होंगे। पर डे $1 के उस पर आपको 1 पॉइंट यहाँ पे अर्न होने वाला है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू मार्केट के ऊपर और यहाँ पे आपके सामने कुछ मार्केट्स ओपन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे 6 मार्केट है, मियामी बीच, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। बेसिकली यहाँ पे ये वर्चुअल रियल स्टेट में डील करते हैं। वर्चुअली आप यहाँ पे जाके लैंड बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ट्रेड के ऊपर और उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसमें नहीं जाना तो आप सिर्फ यूएसडी से डिपॉजिट करके भी पॉइंट को अर्न कर सकते हैं, जो कि मैं खुद वही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पार्सल के प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स को अर्न करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आपको हर 24 घंटे के बाद अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मुझे कोई भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, 24 घंटे के बाद यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। तो पार्सल में काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छी खासी इन्होंने फंड भी रेज की हुई है और यहाँ पे पॉइंट सिस्टम की वजह से बहुत सारे जो बॉट वॉलेट वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका जब वेट ड्रॉप होगा तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो आपको इसे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं पार्सल के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।